वीडियो में हम लोगों ने लेजेंडर पॉलिनोमियल से प्रॉब्लम रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और उसमें हम लोगों ने कैसे P1, P2, P3, P0, P3 ये सब के वैल्यूज को यूज करते हुए कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। उसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल fx 4x³ माइनस 2x² माइनस 3x+8 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि x का मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्यूब है, और हम लोग जानते हैं कि p0x का वैल्यू होता है 1, p1x का वैल्यू होता है x, p2x का वैल्यू होता है 1/2 3x² माइनस 1, और p3x का वैल्यू होता है 1/2 5x³ माइनस 3x। तो देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर px³ है क्यूब, और इसके लिए हमको p3x चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इसको, लेट दिस विल बी इक्वल टू a टाइम्स p3x प्लस b टाइम्स p2x प्लस c टाइम्स p1x प्लस d टाइम्स p0x। अगर हम लोग p3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको मिनिमम p0 तक जाना ही होगा। इस तरह से अगर p2 से स्टार्ट करेंगे तो p0 तक जाएंगे। सबसे पहले ये हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम करने के बाद सभी का वैल्यू पुट करेंगे। सो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ p3 इज 1/2 5x³ माइनस 3x, द वैल्यू ऑफ p2 इज इक्वल टू 1/2 3x² माइनस 1, द वैल्यू ऑफ p1 इज x एंड वैल्यू ऑफ p0 इज 1। अब इसे सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 5/2 ax³ माइनस 3/2 ax प्लस 3/2 x² इंटू बी माइनस b/2 प्लस cx इंटू डी। अब इवन टर्म्स को मतलब x के सेम पावर्स को एक साथ हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो x³ का कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 5/2 ax³। नाउ लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 माइनस, अब हम लोग देख ले कि x² का भी कोई टर्म और नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 3/2 बी x² x के दो टर्म है, एक यहां और एक यहां पे, तो ये हो जाएगा प्लस साइन को पहले लिख लें तो c माइनस 3/2 इंटू ए इंटू एक्स, और लास्ट में हमारा टर्म हो जाएगा d माइनस b/2 जिसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे कि x³ का क्या कोफिशिएंट है। यहाँ x³ का कोफिशिएंट है 4, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 5/2a। तो इसी तरह से x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, फिर x के और फिर बिना x वाले टर्म को कोफिशिएंट करेंगे। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x and x to the power 0 on both side, दोनों साइड में हमने दोनों टर्म को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/2 into a is equal to 4, so a का वैल्यू हो जाएगा 8/5। सिमिलरली माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 b, so b विल बी इक्वल टू माइनस 4/3। नेक्स्ट c माइनस 3/2 a इंटू x है, और यहाँ पे x के साथ है माइनस 3, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3। हमको c फाइंड करना है तो c इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3/2 a माइनस 3, और a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 8/5, सो 3/2 इंटू 8/5, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10, that is minus 30 plus 24 divided by 10 equal to minus 6/10, that is minus 3/5। उसी तरह से बिना x वाले टर्म को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो d माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, p का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस b बाई 2, सो 8 प्लस b का वैल्यू है माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे तो ये दैट इज इक्वल टू 6, 48 माइनस 4 दैट इज
44 by 6 that is 22 by 3। इस तरह से हमारा ए बी सी डी तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमारा ये लेजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू ए, ए का वैल्यू है 8 बाई 5, सो 8 बाई 5 बी 3x। बी का वैल्यू है माइनस 4 बाई 3, तो दैट इज माइनस 4 बाई 3 पी टू एक्स। सी का वैल्यू है माइनस 3 बाई 5, माइनस 3 बाई 5 पी वन एक्स। और डी का वैल्यू है 22 बाई 3 पी नॉट एक्स। इस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग लेजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज या एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों, जैसे आप लोगों ने कहा था, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, मैक्सिमम पी थ्री तक हमको वैल्यू याद रखना होगा, तभी हम इसका वैल्यू को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। द जनरल फॉर्म ऑफ The generating function of Legendre polynomial is 1 minus 2xz plus z square to the power half is equal to summation n is equal to 0 to infinity pnx z to the power nx। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। तो सबसे पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्म हम लोग जानते हैं होता है 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into x square। So, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इसमें सबसे पहले z कॉमन लिया, तो 1 माइनस जेड 2x माइनस जेड टू द पावर हाफ। अब ये टर्म हमारा हो जाएगा 1 और ये पूरा टर्म हो जाएगा माइनस ऑफ जेड 2x माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा x। सो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एन एक्स, एन का वैल्यू है हमारा यहाँ पे हाफ। सो 1 प्लस हाफ जेड 2z माइनस 2x माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो माइनस 1 बाई 2 एन, एन माइनस 1 जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। माइनस जेड 2x माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म्स एंड द nth टर्म विल बी सिमिलरली, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें, सो माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। सो लास्ट टर्म हमारा nth टर्म हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस z टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म है 2x माइनस z टू द पावर n। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि ये हम लोगों ने nth टर्म फाइंड किया है, लेकिन जब हम लोग यहाँ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ z टू द पावर n का एक टर्म आएगा और यहाँ पे z टू द पावर n का टर्म एक और आएगा। तो इस टर्म में हमें z टू द पावर n का अगर कोफिशिएंट फाइंड करना होगा तो इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इन n प्लस 1th टर्म। n प्लस 1th टर्म में हम लोग z टू द पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। दैट मीन्स इसी में हम लोग को फाइंड करना है। सो ये अगर ये 2 रहता स्क्वायर रहता तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये z टू द पावर n है तो पहला कोफिशिएंट 2x टू द पावर n होगा, z टू द पावर n होगा, तो इस तरह से ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और z टू द पावर n के कोफिशिएंट्स हमको फाइंड करने के लिए ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 माइनस हाफ माइनस n प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर n। z के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई है, z टू द पावर माइनस 1 टू द पावर n एंड देन z के पावर यहाँ पे से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा टर्म 2x टू द पावर n। यहाँ पे ये 2x टू द पावर टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x टू द पावर n हो जाएगा डिवाइड बाय फैक्टोरियल n। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है जेड टू द पावर एन का कोफिशिएंट, तो जेड टू द पावर एन के कोफिशिएंट को फाइंड ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नीचे में हमारा सारा एलसीएम हो जाएगा 2
ये nth टाइम्स है, ये हो गया 2 टू द पावर n। ऊपर में सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 1 टू द पावर n हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 सारे जो है वो n टाइम है, माइनस 1 टू द पावर n हो जाएंगे। और पहले से हमारा यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n का टर्म पहले से है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाने के हो जाएंगे माइनस 1 टू द पावर 2n। और किसी भी टर्म्स का 2n स्क्वायर जो होता है, अगर n का वैल्यू 1 पुट करें 2 पुट करें तो सारे में ये इवन टर्म आएगा, सो माइनस 1 का पावर हो जाएगा ये इवन कोफिशिएंट में, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गए। नेक्स्ट यहाँ इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n x टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n x टू द पावर n हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर n के टर्म को, और ये 2 टू द पावर n को यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। सो हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल n x टू द पावर n, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इन nth टर्म, दैट इज एक टर्म हम लोग पीछे जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था उसमें से एक टर्म हम लोग पीछे जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा है, इसमें से एक टर्म हम लोग पीछे जाएंगे ताकि हमारा z टू द पावर n का नेक्स्ट कोफिशिएंट फाइंड हो सके। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 डॉट 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 माइनस 1 बाई 2 माइनस n प्लस के, n माइनस n की जगह हो जाएगा चूंकि हम लोग एक टर्म पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड प्रोसेस में जा रहे हैं, तो माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस z टू द पावर, वहां n था तो ये हो जाएगा माइनस z टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस z टू द पावर, वहां पे इक्वेशन नंबर 1 में n था, यहां पे हो गया n माइनस 1। बस ये हम लोग को यहां पे चेंज करना है, और यहां पे n माइनस 1 1 था, यहां पे 2 हो जाएगा। अब इसे हम लोग कोफिशिएंट लेंगे z के कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि हम लोग यहां z टू द पावर n का कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो ये z टू द पावर n के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हम उसको लेंगे, तो z के इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर n माइनस 1। सो इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इसे हम लोग लिखा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, और इसका जो फैक्टोरियल होगा इसमें हमारा कौन सा टर्म होगा z का, तो अगर इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 ए प्लस ए माइनस बी के इस टर्म में हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग 2 हम लोग यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, तो ये हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे माइनस 1 का पावर n माइनस 1, और पहले यहाँ पे माइनस कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 ये हो जाएंगे सारे पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे। और नेक्स्ट 2 टू द पावर n माइनस 2 यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 2 यहाँ हमारा आ गया, एंड नेक्स्ट हमारा रिमेनिंग टर्म रह गया माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, सो माइनस 1 टू द n माइनस 1 ये हो गया, n माइनस 1 टर्म यहाँ पे हमारा आ गया, और जो बचा हुआ टर्म रहा x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 हमारा यहाँ पे आ गया। एक एक करके स्टेप है, थोड़ा सा लेंदी है डेरिवेशन, इसलिए थोड़ा ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखना है कि कोई भी टर्म मिस ना हो। ये हम लोगों ने ले लिया, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पे है, 2 टू द पावर n माइनस 2 है, इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1, और 2 टू द पावर माइनस 1 को डायरेक्टली हम लोग नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे हो गया मेरा 2 n माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 n माइनस 3 n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग टर्म में लिखेंगे तो n माइनस 3 इसे हम लोग ऊपर नीचे 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाए, n माइनस 1 2n माइनस 1 इस तरह से, तो ये हमारा हो गया नीचे का टर्म। अगर हम लोग सॉल्व करें तो फिर हम लोग टर्म्स को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो n इंटू n माइनस 1 का टर्म और 2n इंटू 2n माइनस 1 हम लोग लिख लिया, और ये हमारा हो गया फैक्टोरियल n x टू द पावर n माइनस 2, ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर थ्री काफी इजी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग की कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, एक एक करके टर्म जो हमारे मिस हो रहे थे उस टर्म्स को लिख के हम लोगों ने सीरीज को कंप्लीट कर दिया।
दैट इज 2n-3, 2n-1, 2n-1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे n-1 पहले से ही था, यहाँ पे ये हम लोगों ने एडिशनल टर्म यहाँ पर रखा, और n-1 तो हम लोगों ने फिर ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये n से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म पूरा पूरी हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो इसको हम लोगों ने फैक्टोरियल n लिख दिया। ऊपर हम लोगों ने 2n-1 लिखा था, फिर n से मल्टीप्लाई किया तो ये n इंटू n-1 हो गया, और नीचे में 2 का टर्म तो पहले था ही, तो 2 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, 2n-1 तो यहाँ पे था, 2n-1 लिख दिया, x का पावर n-2। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस समेशन। तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n -2, n-2 n-3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 2x टू द पावर n-4। फिर इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक करने के बाद इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। काफी इजी है, इसको हम लोग चाहे तो a प्लस बी टू द पावर n, ये एक और एक अलग टाइप का बाइनोमियल थ्योरम होता है, इसका वैल्यू होता है एन सी जीरो, जिसका वैल्यू तो हमारा 1 ही होता है, a टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी प्लस, इस तरह से सीरीज हमारा चलते जाता है, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, इस तरह से ये सब समेशन जाएगा। तो जब हम इस तरह से इसको हम लोग इसको a मान लें, इसको b मान लें, माइनस ऑफ जेड को b मान लें, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो हमें चाहिए x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हमारा n-2 into n-3 divided by factorial 2, मतलब सेकेंड वाले टर्म में हमारे यहाँ x का कोफिशिएंट फाइंड होगा, तो वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये वैल्यू। इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारा फिर वही 2 टू द पावर n-2 टर्म्स है, n-2 n-2 फैक्टोरियल्स, ऊपर में हमारा 1 × 3 × 5 ×, से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ से हमारा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-5, नेक्स्ट n-2, यहाँ से हमारा n-2 आ गया, यहाँ पे n-3 यहाँ पे आ गया, फैक्टोरियल थ्रू है 2x टू द पावर n-4, -1 टू द पावर n-2 और -1 यहाँ पे n-2 दोनों n-4 देंगे, 2n-4 देंगे, ये फिर एक इवन टर्म होगा जिसका वैल्यू 1 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे दिया है 2n-3 और 2n-1, तो 2n-3 और 2n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से एक सीरीज आ गया x टू द पावर n-4, नीचे में 4 × n-1 × n-2, तो n-1 और n-2 के टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा टर्म हो जाएगा 1 × 3 × 5 2n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये टर्म पूरा पूरी फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर ये हमारा टर्म जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिखें, और ये जो रिमेनिंग टर्म था इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 2 × 4 हमारा यहाँ पे आ गया x टू द पावर n-4, इस तरह से हम लोग और आगे के टर्म्स को लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में जो वैल्यू फाइंड किया उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हम लोग का टर्म्स सब में ये टर्म्स हमारा कॉमन है, तो 1 × 3 × 5 2n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, ये हमारा कॉमन हो गया फर्स्ट टर्म में x टू द पावर n, बाकी सारे टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, और ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये pnx है। तो Thus the coefficient of z, z square, z cube, etc. in equation 1 are p1x, p2x, p3x, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये coefficient होते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 − 2x − z + z² ½, इसे हम लिख सकते हैं p0x + z p1x + z² p2x + z^(n)pnx, और जब हम इसको सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे समेशन फॉर्म में, तो n = 0 to infinity pnx z^(n), ये तो ये हमारा हो गया जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल pnx के जेनरेटिंग फंक्शन में, जेट इज जेट टू द पावर n में हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे जैसे हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि
लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और रिकरेंस प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसको सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी हमारा काफी हेल्पफुल होता है।